अनेकों प्रदेश से आ रहे प्रवासी मजदूरों को एक युवा समाज सेवी द्वारा पनियाहवा से बिहार जा रहे हाईवे पर पैदल व साधन से जा रहे मजदूरों को इन समाज सेवी युवाओं द्वारा पानी पिलाने तथा खाने पीने की व्यवस्था निस्वार्थ भाव से की जा रही है। युवक ने बताया कि हमारे पिताजी भी लोगों की सेवा किया करते थे, उनके आशीर्वाद से मैं उनसे भी ज्यादा सेवा करना चाहता हूँ। किस उद्देश्य से या आप पानी पिलवा रहे हैं राहगीरों को? लोगों को सहयोग कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। हमको कोई उद्देश्य नहीं है, बशर्ते कोई मेरे राह से भूखा न निकल पावे, मेरा यही उद्देश्य है। अच्छा, जो लोग जो प्रवासी मजदूर हैं जी, जो बाहर से आ रहे हैं जी, क्या उन लोगों को क्या क्या आप मुहैया करा रहे हैं? जी, खाना है, पानी है, शरबत है, और उसके बाद जो चप्पल नहीं पहनता उसको चप्पल भी हम तुरंत दे देते हैं, और गाड़ी भी रुकवाते हैं, जबरन गाड़ी मालिक से बात भी करना पड़ता है, चाहे जैसे भी उनको बैठा करके बिहार के रास्ता भेज दिया जाता है। भेज दिया जाता जी है। तो उनकी मानव सेवा करना ही आपका एक उद्देश्य है? जी, मेरे पिता जी का नाम यूसुफ दानिया है और दान करते थे, मैं उनका लड़का सोनू अंसारी हूँ। मेरे मन में भी ऐसा ही है कि पिताजी से भी ज़्यादा करके दिखा दें कि मानव को किस तरह के सहयोग दिया जाता है। कुछ तो पिताजी दिखा कर गए हैं, कुछ अपने से भी प्रयास करता हूँ।